अयोध्या में बीते 22 जनवरी को प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था और इस प्राण प्रतिष्ठा में पूरे विश्व की निगाहें धर्म नगरी अयोध्या पर टिकी थी। हर कोई इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता था। शायद यही वजह है कि अब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्मरण तालिका तैयार करने की तैयारी राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी ताकि आगामी पीढ़ी के जरिए राम मंदिर निर्माण, उसकी निर्माण पद्धति, अचल प्रतिमा के निर्माण, इन तमाम चीज़ों का को जान सके। इतना ही नहीं, स्मरण तालिका में वरिष्ठ साधु संतों के अनुभव भी दर्ज कराए जाएंगे। पूरे देश और दुनिया के 8000 विशिष्ट साधु संत और मेहमान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। 22 जनवरी का वह दिन जिस दिन रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए, उस समय अयोध्या राममय वातावरण में महक उठी थी। शायद यही वजह है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट इस माहौल को लिपिबद्ध कर आगामी पीढ़ियों को इसकी जानकारी सुगमता से मिल सके, इसका प्रयास कर रहा है। देखिए, ऐसा है, कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो निश्चित उसकी वीडियो तो बनाई ही जाती है, तो परंपरा है, लेकिन उस समय को हमेशा स्मरण रखने के लिए स्मारका भी लोग बनाते हैं। वही स्मारका ट्रस्ट बनाई जा रही है, जिसमें लोगों के विचार, प्रमुख संतों के आशीर्वाद और प्राण प्रतिष्ठा की फोटो और साथ में लोगों के विचार, अनुभव, कैसा आपने अयोध्या के अपना अनुभव किया, किस तरीके से आपको लगा, तो ये सब चीज़ें हमेशा के लिए एक पुस्तिका में लिपिबद्ध की जा रही हैं, जो हमेशा लोगों के पास रहेगी एक स्मरण के रूप में, कि प्राण प्रतिष्ठा की पूरी इसमें सामग्री और चित्र मौजूद हैं। तो ये एक संग्रहित पुस्तक ट्रस्ट बना रहा है और ये बड़ी सुंदर होगी और संग्रह करने वाली होगी और हमेशा रखने के लिए होगी। जल्द ही इसको जो है लोकार्पण, हाँ वो होगा, समय आने पर छपने के बाद बनाया जाए, बनने के बाद छपेगी, बनाएगा, सब होगा। श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न पंथों और या हम कहें कि इस देश के ख्यातिबद्ध जो हमारे अतिथिगण आए, राम भक्त आए, वह एक अद्भुत कार्यक्रम था। 8000 लोगों की एक साथ उपस्थिति, विश्व की उपस्थिति हुई, तो मुझे लगता है कि एक व्यापक कार्यक्रम को कहीं ना कहीं जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस अयोध्या में किया है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यह जरूर चाह रहा है कि उनकी अनुभूति, उनकी जो सुखानुभूति रही है, जिस प्रकार से वातावरण रहा है 22 जनवरी को, वह चाहे वो लिपिबद्ध हो, चाहे वह जो है विजुअल यानी वीडियो के द्वारा हो, वो लोग भेजेंगे, तो इसकी अगर कहीं से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसका संकलन अगर कर रहा है तो यह हम लोग सबके लिए आनंद का विषय है, क्योंकि एक साथ 8000 लोगों का तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें अनेक प्रमुख लोग हैं, उनकी अगर सुखानुभूति या एक उनकी प्रेरणा जो है जिस प्रकार से उनको प्राप्त हुई, वो अगर लिपिबद्ध होता है, वीडियो के तरह तहत आता है, तो अच्छी बात है। और बिल्कुल राय की बात जहाँ तक है, साधु संत स्वाभाविक है इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक थे और लगातार जो जिस प्रकार से वातावरण चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका बनी रहती है, तो अगर ट्रस्ट उनकी राय ले रहा तो यह भी बहुत ही सुखानुभूति है।